अचानक हुए इस हमले से घबरा जाते हैं। जैसे ही उसकी शक्तियां नागराज पर लगती हैं, नागराज वहीं गिर जाता है। अपनी माचिस कार में बैठाने लगते हैं। साधु बाबा माचिस हेलीकॉप्टर में बैठ के एक खूंखार जंगल के बीचों बीच एक रास्ता होता है। उस रास्ते में से एक गाँव वाला जा रहा होता है। वो बहुत घबराया होता है। तभी उसके सामने दो भूतिया बच्चे आ जाते हैं। वो दोनों भूतिया बच्चे उस आदमी को पकड़ लेते हैं। वो आदमी बहुत घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, कोई है मुझे बचाओ। तुझे यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा, आज हम तुम्हें मार कर खा जाएंगे। तभी वहाँ नागराज आ जाता है। वो अपनी शक्तियों का वार उन दोनों भूतिया बच्चों पर करता है। वो दोनों भूतिया बच्चे अचानक हुए इस हमले से घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वो आदमी नागराज का धन्यवाद करता है और वहां से चला जाता है। उधर काली घाटी में एक गुफा होती है। उस गुफा में एक चुड़ैल होती है। तभी वो दोनों भूतिया बच्चे वहां आ जाते हैं। चुड़ैल बोलती है, मेरे बच्चों बताओ आज तुम अपनी माँ के लिए क्या लाए हो। माँ, आज हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं ला पाए। बहुत दिन हो गए मैंने किसी इंसान का मांस नहीं खाया। जाओ और मेरे लिए कोई भी इंसान का बच्चा ला कर दो। माँ हमें माफ कर दो, हम क्या करें। हम जब भी किसी बच्चे को पकड़ने जाते हैं तभी वहाँ नागराज आ जाता है। वो हमें कोई भी काम नहीं करने देता। माँ अब आप ही बताइए हम क्या करें। अच्छा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चलो आज हम तीनों मिलकर तंत्र साधना करते हैं। वो तीनों मिलकर तंत्र साधना करने लगते हैं। कुछ ही समय बाद हवन की अग्नि से एक बहुत बड़ा राक्षस निकलता है। वो राक्षस बोलता है, ए चुड़ैल, तूने मुझे क्यों याद किया। हे राक्षस देवता, अब हमारी सहायता कीजिए। हमें कोई ऐसी शक्ति दीजिए कि हम उस नागराज को हरा सके। उसने तो हमारा जीना हराम किया हुआ है। राक्षस अपना हाथ आगे करता है और अपनी जादुई शक्ति से एक माचिस कार प्रकट कर देता है। चुड़ैल, जब तक तू इस माचिस कार में बैठी रहेगी तब तक नागराज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जा और ये माचिस कार ले जा। चुड़ैल वो माचिस कार पाकर बहुत खुश होती है। चुड़ैल और उसके दोनों बच्चे उस माचिस कार में बैठकर गांव पर हमला कर देते हैं। वो सभी लोगों को पकड़ पकड़ के अपनी माचिस कार में बैठाने लगते हैं। दोनों भूतिया बच्चे बोलते हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको अपना गुलाम बना लेंगे। बुलाओ तुम्हारे नागराज को, कहाँ है वो, बाहर निकल, नागराज कहाँ छुपा बैठा है। तभी नागराज वहाँ आ जाता है और बोलता है, तुम लोग फिर आ गए, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हारी जीवन लीला समाप्त करनी ही होगी। इस बार मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वो अपनी शक्तियों का वार उन तीनों पर करता है, परंतु उन शक्तियों का वार उन पर बेअसर हो जाता है। यह देखकर नागराज बहुत हैरान हो जाता है। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार नागराज पर करती है। जैसे ही उसकी शक्तियाँ नागराज पर लगती हैं, नागराज वहीं गिर जाता है और नागराज वहाँ से गायब हो जाता है। से गायब होके साधु बाबा के पास पहुंचता है। वो साधु बाबा से बोलता है, साधु बाबा, मेरी शक्तियों का वार उस चुड़ैल पर बेअसर हो रहा है। मेरी कोई भी शक्ति उस चुड़ैल पर काम नहीं कर रही, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। साधु बाबा अपनी शक्तियों से देख लेते हैं कि राक्षस ने उस चुड़ैल को माचिस कार दी हुई होती है। साधु बाबा बोलते हैं, जब तक उस चुड़ैल के पास वो माचिस कार है हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। यह कहकर साधु बाबा अपना हाथ आगे करते हैं और अपनी शक्तियों से एक माचिस हेलीकॉप्टर प्रकट कर देते हैं और नागराज को एक बड़ी माचिस की तीली दे देते हैं और बोलते हैं, नागराज यह लो, यह एक दिव्य तीली है। मैं यह हेलीकॉप्टर लेकर जाऊंगा और उस चुड़ैल का ध्यान भटकाऊंगा, तभी तुम यह तीली उस माचिस कार पर फेंक देना। ये कहकर वो गाँव की तरफ निकल पड़ते हैं। साधु बाबा माचिस हेलीकॉप्टर में बैठ के चुड़ैल का ध्यान भटकाने लगते हैं। यह देखकर उस चुड़ैल को क्रोध आ जाता है। वो चुड़ैल अपने बच्चों को बोलती है, मेरे प्यारे बच्चों, चलो हम इस साधु बाबा को पकड़ लेते हैं और इसका माचिस हेलीकॉप्टर छीन लेते हैं, चलो। तभी नागराज पीछे से वो दिव्य माचिस की तीली उस माचिस की कार पर फेंक देते हैं।
माचिस की कार में आग लग जाती है और उस माचिस के साथ चुड़ैल और उसके दोनों भूतिया बच्चे जल के भस्म हो जाते हैं। इस प्रकार नागराज और साधु बाबा दोनों मिलकर गांव वालों को बचा लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह माचिस की कहानी? ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।